डेफिनेट इंटीग्रल्स फोर्थ वीडियो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स फोर्थ वीडियो, आपका स्वागत। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के क्रम को आगे बढ़ाएं। अब तक कुल 8 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे, ये 9th एग्जाम्पल है, स्टार बनाया हुआ है हमने, अच्छा एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कई दफ़े इसमें लगाना पड़ेगा। तो इसमें इस x को हटाने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगाते हैं। By the property of definite integral, यही आई इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 2 पाई माइनस x से, 0 टू a अगर है तो a माइनस x, साइन x था तो हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस x पावर 2n अपॉन, ऐसे नीचे भी लिख दो, साइन 2 पाई माइनस एक्स का मतलब होता है साइन ऑफ माइनस एक्स, माने माइनस साइन एक्स, लेकिन पावर 2n लगा हुआ है, इवन पावर लगा हुआ है तो माइनस उसमें खप जाएगा, तो आप पाएंगे इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स पावर 2n अपॉन साइन एक्स पावर 2n प्लस कॉस एक्स पावर 2n डी एक्स नंबर 2, 1 और 2 को ऐड करिए, एडिंग 1 इन 2 2 आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, पहला वाला तो हमने मिटाई दिया, पहले वाले में 2 पाई माइनस एक्स की जगह उसमें एक्स था बस, बकिया ये सब वैसे ही है, तो ये कॉमन हो जाएगा और एक्स में ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 पाई कांस्टेंट है उसको हमने बाहर लिख दिया, और अंदर बचा साइन एक्स पावर 2n अपॉन साइन एक्स पावर 2n प्लस कॉस एक्स पावर 2n डी एक्स। अब 2 तो कैंसिल ही करते हैं, क्या फायदा ढोने से, i इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई साइन एक्स पावर 2n अपॉन साइन एक्स पावर 2n प्लस कॉस एक्स पावर 2n डी एक्स। फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अब प्रॉपर्टी ये लगेगी इंटीग्रल 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू, हाँ इसको आधा कर देंगे, 2 इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, शर्त है इसमें ना, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी तो आप देखे थे साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन इवन पावर लगा इसलिए फिर वो उतना ही हो जाएगा, इंप्लाइज दैट i इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिए, अपर लिमिट को आधा करिए, और ये एज इट इज साइन टू द पावर 2n x अपॉन साइन टू द पावर 2n x प्लस कॉस टू दी पावर 2n x dx बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ऐसे लिख दिया जाता है बस, विच प्रॉपर्टी इसकी चर्चा नहीं करते, तो मैंने आपको समझाने के लिए कोने में लिख दिया, ये स्थिति आ गई। वही प्रॉपर्टी एक बार फिर लगाइए क्योंकि x की जगह पाई माइनस एक्स रखोगे, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट ड्यू टू दिस इवन पावर वो फिर कॉस एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 पाई, 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2n x अपॉन साइन टू द पावर 2n x प्लस
कॉस टू दी पावर टू एन एक्स डी एक्स, फिर वही लिखिए आप तर्क में, लॉजिक में, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब फिर प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ए वाली प्रॉपर्टी, इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो उसके लिए इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे नंबर वन पता नहीं हम डाले थे ना, यहाँ पड़ा है वन टू हुआ है, जिसको थ्री कर दीजिए। अब इस प्रॉपर्टी की मदद से इसकी एक वैल्यू फिर लिखिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कई दफ़े लगाना पड़ रहा है, यही मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया था। बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यही आई बराबर होगा फोर पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन टू दी पावर टू एन एक्स की जगह वो लिख देंगे हम पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन साइन टू दी पावर टू एन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस टू दी पावर टू एन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू फोर पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू कॉस टू दी पावर टू एन एक्स अपॉन कॉस टू दी पावर टू एन एक्स प्लस साइन टू दी पावर टू एन एक्स डी एक्स नंबर फोर। थ्री और फोर को हम ऐड करेंगे, एडिंग थ्री एंड फोर वी गेट 2i इक्वल्स टू 4 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू 1 dx चलेगा। देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है और यही चीज ऊपर भी आने जा रहा है, तो कट जाएगा बना जाएगा, एंड दिस विल बी 4 पाई इंटू पाई बाई टू इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर। ये 2i की वैल्यू है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो i आ जाएगा, आई इक्वल टू पाई स्क्वायर, यही लाना था। एग्जाम्पल 10 बढ़िया क्वेश्चन है, भी सब छांट छांट के मैं आपको करा ही रहे हैं। एग्जाम्पल 10 इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, यहाँ एक्स था, इसमें भी एक्स है, इसका मतलब आज हम उन एग्जाम्पल्स को उठा रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से एक्स को हम रिमूव पहले करें फिर इवेल्युएट करें, तो वही चीज़ इसमें भी है, सिमिलर प्रोसेसिंग। ये वाली प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं हम, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू ए f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। लेकिन लैंग्वेज हम लिखेंगे ऐसे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल i इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू पाई x की जगह क्या रख दिया पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण फिर वो माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो इससे हम लिख दें इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स अपॉन
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स नंबर टू, एडिंग वन एंड टू, इसे इसे जोड़ेंगे जीरो टू पाई, यही दोनों जुड़ जाएगा, नीचे तो वही आई है, ठीक। एडिंग वन एंड टू, टू आई इक्वल्स टू ये, और ये जोड़ोगे तो कितना आएगा, पाई आएगा ना, एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर लिख लिए, इंटीग्रल जीरो टू पाई वन अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस तरह के इंटीग्रल को आप इंटरमीडिएट में इवेल्युएट करना खूब सीखे हैं, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देंगे और फिर टेन एक्स इक्वल टू टी पुट कर देंगे, इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा है, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन एक्स इक्वल टू टी पुट करना है, टेन एक्स इक्वल टू टी पुट करना है, तो टेन जीरो जीरो टेन पाई जीरो जीरो टू जीरो हो जाएगा, इंटीग्रल बेकार हो जाएगा, इसका मतलब जीरो से पाई के बीच में टेन एक्स का नेचर अलग अलग है, जीरो से पाई बाई टू तक अलग नेचर है और पाई बाई टू से पाई तक अलग नेचर है, अगर आप ग्राफ टेन एक्स का देखें तो सच में ऐसा है, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे और बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल चेंज करेंगे, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे, सेक पाई माइनस सेक एक्स होता है लेकिन स्क्वायर है इसलिए माइनस खप जाएगा, टेन पाई माइनस टेन एक्स होता है लेकिन स्क्वायर है इसलिए खप जाएगा, तो फिर प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं वह जीरो टू टू ए वाली, दो से गुणा करके जिसमें अपर लिमिट को आधा कर देता है, दिस इंप्लाइज दैट टू आई इक्वल टू टू पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स कामा बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्वेश्चन इसीलिए बढ़िया क्योंकि जरा सा भी आप चूके टेन एक्स बराबर टी पुट किए तो लिमिट जीरो टू जीरो आई, अब इक्वल टू जीरो लिख दोगे, इतना कहाँ अचानक ध्यान किसी बच्चे के ध्यान में है ये टेन एक्स का ग्राफ जीरो से पाई के बीच में क्या होता है। टेन एक्स का ग्राफ समझ रहे हैं ना, ये एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है, ये एक्स एक्स इक्वल टू जीरो है, तो जब एक्स जीरो होगा तो टेन एक्स माने टेन जीरो जीरो, जैसे जैसे पाई बाई टू के पास पहुंचेगा वैसे वैसे इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा ना, ये दिस इज एसिम्प्टोट, अब फिर पाई बाई टू से इधर फिर आगे बढ़ेंगे फिर वो नीचे ग्राफ आएगा, इसे फिर यहाँ पे ऐसे हो जाता ना, ये माइनस पाई बाई टू है फिर एसिम्प्टोट बनाएगा, तो जीरो से पाई बाई टू अलग और फिर पाई बाई टू से पाई अलग, इसलिए हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगा दिए। अब आप टेन एक्स बराबर टी पुट करिए, पुटिंग टेन एक्स इक्वल टू टी सो दैट sec square x dx equal to dt we get 2i equal to 2 cancel कर देना था नहीं कीजिए कोई बात नहीं 2i equal to 2 pi integral 0 to infinity tan 0 0 tan pi by 2 infinity sec square x dx की जगह हो जाएगा dt तो हो गया 1 upon a square plus बी स्क्वायर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का ये कोफिशियंट इसको बाहर निकालिए और टू कैंसिल कर दीजिए तो आई इक्वल टू हो गया पाई अपान बी स्क्वायर इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी वन अपान टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी टी। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखिए
पाई बाई बी स्क्वायर, वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए होता है ना, तो ये हो जाएगा वन अपान ए का मतलब बी बाई ए, और टेन इनवर्स बी टी बाई ए, टी की लिमिट है जीरो टू इन्फिनिटी। टी इक्वल टू जीरो रखोगे टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, टी इक्वल टू पाई बाई टू रखोगे टेन इनवर्स सॉरी टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू होता है। सो वी हैव आई इक्वल टू पाई बाई बी स्क्वायर इंटू बी बाई ए और इंटू पाई बाई टू, तो ये रहा पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर अपान टू ए बी, पाई स्क्वायर अपान टू ए बी, यही वैल्यू लाना था। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल 11, इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाई पाई माइनस टू। तो इसमें भी वही है बात, यही x हटाने वाली बात, क्योंकि अगर x ना होता तब तो इंटरमीडिएट का एक इंटीग्रल हो जाता। उसी x को हटाने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x टेन x अपान sec x प्लस टेन x डी एक्स बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई x की जगह पाई माइनस x टेन पाई माइनस x माइनस टेन एक्स होता है, sec पाई माइनस x माइनस sec x होता है, फिर ऊपर नीचे माइनस कैंसिल होकर बैलेंस हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस x इंटू टेन एक्स अपॉन माइनस sec x माइनस टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई ब्रैकेट में पाई माइनस x इंटू टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स नंबर टू। समझ रहे ना, ये माइनस सब बैलेंस हो गया, कट गया। एडिंग वन इन टू टू आई इक्वल्स टू ये x और पाई माइनस x जोड़ेंगे तो पाई बचेगा, बस उस पाई को बाहर कर लिए। अब अंदर बच गया टेन एक्स अपान sec x प्लस टेन एक्स। अब ये इंटरमीडिएट इस तरह का इंटीग्रल आपके नज़र के सामने, साइन x cos x में बदल लें, या ऐसा ना करें sec x माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। हाँ, जो मन में अप्रोच उठे वही करिए, पाई इंटीग्रल 0 टू पाई ऐसा, ठीक है ना, ये ज्यादा ठीक लग रहा है, ज़्यादा ठीक रहा है, मूड की बात है, कभी कोई अप्रोच अच्छा लगता है कभी कोई अप्रोच अच्छा लगता है, तो इस पर हम कोई बहुत प्रवचन नहीं करेंगे, जो मर्जी करेगा। इम्प्लाइज दैट टू आई इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x।
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा ना, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स. सो वी हैव पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई, और यही बचा सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख दें सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स. अब आप इंटीग्रल लिख दीजिए पाई ब्रैकेट सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होगा, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स होता है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स होगा क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस वन का इंटीग्रल एक्स होगा लिमिट जीरो टू पाई. इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट फिर ब्रैकेट अपर लिमिट रखने के लिए सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई फिर माइनस जीरो रखिए सेक जीरो माइनस टेन जीरो और प्लस जीरो इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट सेक पाई माने कॉस पाई का उल्टा माने माइनस वन का उल्टा माने माइनस वन माइनस टेन पाई जीरो होता है प्लस पाई ये रहा और माइनस सेक जीरो वन होगा टेन जीरो जीरो यानी कि माइनस वन ये रहा इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट में पाई माइनस टू ये वैल्यू किसकी ये वैल्यू है टू आई की देयरफॉर आई इक्वल्स टू पाई बाई टू इंटू पाई माइनस टू यही लाना था. तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, तीनों इस बात में समान थे कि तीनों में बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक्स को पहले हटाया गया है, एक्स कोफिशिएंट के रूप में था ना, पहले उस एक्स को हटाया गया उसके बाद फिर आगे प्रोसीड किया गया है. वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू वेरी मच.